गोटे स्थान रे हस्तंत और हस्तशिल्प भंडार षाठी स्टॉल रे संबलपुरी शाढ़ी ठू आरंभ कर पसापाली मणिकी पाट बोमके हस्तंत्र संभार भुवनेश्वर एकाम्रहाट परिसर रे उद्घाटित होईछि हस्तंत मेला मेलार समुदाय षाठी स्टॉल रही बेले चालीस स्टॉल केवल ओडिशा रही बयन और हस्तशिल्प विभाग ओडिशा सरकार पक्षर आयोजित ही प्रदर्शनी को विभागीय सचिव अरविंद पाड़ी उद्घाटन कर बयनिका तरफ राज्य स्तरीय स्वतंत्र हस्तंत मेलार आम आयोजन करूँ जो थे कि राज्यर एवं राज्य बाहर बुणाकार भाई भणी मैंने आसिक अंशग्रहण करमर जहाँ भी हस्तंत सामग्री अच्छी तार बिक्री बटार आम व्यवस्था करूँ आउ गोटे अंतर्निहित आम उद्देश्य अच्छी जे जड़े कंज्यूमर हिसाब से कस्टमर हिसाब से लोक भी हस्तंत कला को प्रोत्साहन दिंतु और सम्मान दिंतु राज्य सरकार तरफ आम विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं छु ओडिशा निजर मनोरम तथा आकर्षणीय हस्तंत सदा सर्वदा विश्व दरबार परिचित हो पारी आहरी लोकाभिमुखी करने सरकारी स्तर में विभिन्न चेष्टा जारी रही हस्तंत विभाग और अन्य विभाग कर्मचारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार हाथ तैयारी पोशाक पिंधि कार्यालय को आसुछन्ति तेणु यार अधिक प्रचार और प्रसार पर मेलार आयोजन कर इतरे बौद्ध बलांगीर संबलपुर बरगढ़ परी भली की भली साड़ी और हस्तंत सामग्री रही आमर सब पारंपरिक ये काम का मेन आम फोकस रुहे आल डाई प्लस विविंग उपरे आम एसब कलेक्शन आनीचु एक्सक्लूसिव लॉन्च फॉर दिस साड़ी आउ टसर दुपट्टार चाहिदा बहुत रोच आम ओडिशा व्यतीत बाहर स्टेट रे भी जाइथाउचु खासकर दिल्ली रे फैब्रिक रो चाहिदा बहुत थाउची तो बहुत समय बहुत बहुत फेस्टिवल भी पड़ू बहुत बहुत जिनस भी पड़ू कि आम जेहेतु बहुत बहुत मानते भल पाऊ हैंडलूम जिनसपाई तो आम सहपरिवार सहित आज आसिक बुलाक आ बहुत बुलू बहुत बहुत भल भल जिनस अच्छी बहुत भल क्वाटर भी जिनस अच्छी आनुरोध करुँ समस्त समस्ते भी आसतु ये भल जिनस मिलूँ देखु बुलंतु आणतु भी एहि मेला 15 दिन पर्यंत चालुथबा बेले दिन 10टारु राति 9टा पर्यंत खुला रहिबो चलित वर्ष मेला रे ग्राहकंकु सुहाइला भली मूल्य रहिछि भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रंजन क सह सुनील लिंकांक रिपोर्ट नंदीघोष टीवी।